भारी काम नहीं है जितना आपको लग रहा है। जैसे कि एंड्रॉइड प्लान सब कम हो गए, हम अलग अलग तो आपका कॉम्बिनेशन सेल सकता है और लगे हाथ आपका कॉम्बिनेशन सेल होने के साथ साथ ये वाला कॉम्पिटिशन भी क्वालिफाई के लिए आप क्वालिफाई करें। ट्रॉफी अपना ले लीजिएगा, कपिल जी आपका भी ट्रॉफी है, आप भी ना जब भी आपको समय लगे ट्रॉफी आप अपना जरूर ले लीजिएगा और भी जिन साथी का ट्रॉफी है वो जरूर ले। गुड मॉर्निंग बाकी के, मंजू आपने ज्वाइन किया है, मंजू गुड मॉर्निंग, आप कुछ बताना चाहेंगे क्या प्रोग्रेस चल रहा है? यदि आप बताना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हम फिर अपना आगे का जो हमारा टॉपिक था, एक स्पेशल टॉपिक हमारा था जो हमारे राजेश टैगोर जी का सेकेंड वाला जो क्लास हुआ था सोमवार का, तो अच्छा चीज था वो, जो साथी उसके अंदर थे हमारी टीम में धर्मेंद्र कुमार जी हैं, देशराज जी हैं, तो दो लोग उसके अंदर अवेलेबल थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या था और उसके बारे में जानना जरूरी क्यों है। तो सेशन टू ऑफ द 50 वीक सेल्स मास्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स मास्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका नाम है कि सेल्स की मास्टरी हम करें, हम जिसको भी पॉलिसी बेचें धड़ाधड़ हमारा पॉलिसी बिकना चाहिए। तो डिफरेंट आइडियाज टू सेल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बेचने के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, मुझे उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यदि नजर आ रहा है तो आप हाथ हिला के यस बोल सकते हैं जी। 50 वीक सेल्स मास्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो सेल्स मास्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है और 50 वीक का सेल्स मास्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्या होना, क्या इसमें था और क्या इसमें है? तो रूल इसके अंदर होता है कि भाई आपको सूट पहनकर बैठना है, तो ये इसका रूल होता है। सुबह 7 से 8 का अंग्रेजी का होता है, हिंदी का 8:30 से 9:30 का प्रोग्राम होता है। आपको इसमें से जो भी अच्छी बातें लगे आप एक पेन और पेपर लेके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी बेचने के ना ये सब आइडियाज काम आ सकते हैं। तो पॉलिसी बेचने के आइडिया क्या है, ये सेशन टू है, सोमवार के दिन हुआ था, पिछले सोमवार को हुआ था, तो हमारे पास आज थोड़ा सा समय अवेलेबल है, तो हम कोशिश करेंगे इसको आज कवर करने की। सुबह सुबह के समय हमारे पास समय कम होता है, क्योंकि हमारा सिर्फ आधे घंटे का जूम सेशन होता है, उसी के अंदर हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा नई बातें सीखने की, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने की। जो भी साथी यहाँ पर आए सभी को ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए, मैक्सिमम फायदा होना चाहिए, उनके दिन की जबरदस्त शानदार या खूबसूरत शुरुआत होनी चाहिए। तो इंश्योरेंस बेचने के आइडिया क्या है, कंसेप्ट सेलिंग क्या है, आप में से कोई बता सकते हैं मुझे कंसेप्ट सेलिंग क्या है? अपना माइक ऑन करके कोई भी साथी अपना माइक यदि ऑन करेंगे तो आप बोल पाएंगे, अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं कंसेप्ट सेलिंग क्या है, क्या होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट सेलिंग क्या होता है, ये सब चीजें बताएंगे बताएंगे पॉसिबल है बताना? गुड मॉर्निंग जी, आपको जो आपको जो भी लगता है। हाँ गुड मॉर्निंग, शादी के प्लान सेलिंग का मतलब हम कस्टमर के पास गए, सर ये वाला प्लान है, सर ये देखो ये जीवन आनंद ले लो, अच्छा आप जीवन लक्ष्य ले लो, अच्छा आप एंडोमेंट ले लो, अच्छा आप आरोग्य ले लो, अच्छा आप पेंशन का, इसको बोलते हैं प्लान सेलिंग। तो ऐसा देख गया है कि प्लान सेलिंग के मुकाबले कंसेप्ट सेलिंग में हमेशा परिणाम आता है, फटाफट सेल है, कस्टमर है कि यार देखो इन्होंने इतना अच्छा प्लान बना कर दिया है,
में हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। बच्चों के एजुकेशन के बारे में, बच्चों की शादी के बारे में फाइनेंशियल प्लानिंग एक कॉन्सेप्ट है। आदमी का पैसा इकट्ठा हो जाएगा, आदमी का जैसे आज हमने मान लीजिए 100,000 रुपए इकट्ठा किया, 20,00,000 रुपए इकट्ठा हो गया, ये भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक कॉन्सेप्ट है। बच्चे की शादी के लिए मुझे बच्चे को अमेरिका भेजना है, बच्चे के उसके अगर कोई 1 करोड़ रुपए चाहिए, सराहने खाने का, पढ़ाई का, फीस का, किताबों का, कंप्यूटर का, सब चीजों का, एरोप्लेन की टिकट का, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक कॉन्सेप्ट है। वेल्थ बिल्डिंग एक कॉन्सेप्ट है। वेल्थ बिल्डिंग का मतलब है हमें धीरे करके पैसा इकट्ठा करना है। किस चीज के लिए पैसा इकट्ठा करना है? जो हमारी भविष्य की जरूरतें हैं। आप कस्टमर की जरूरतों को उसको जितना ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, उतना जल्दी उसको समझ आएगा कि हाँ, पैसे का इंतजाम करना जरूरी है। तो ये भी एक कंसेप्ट है हमारे पास। वेल्थ बिल्डिंग के अलावा जो अलग अलग कंसेप्ट हैं, व्हाट इज कंसेप्ट सेलिंग? कंसेप्ट सेलिंग क्या होता है? ये कंसेप्ट इज एन आइडिया। आपने उसको कुछ आइडिया दिया, सर ये देखो बच्चे की शादी में, देखो कल को बिटिया बड़ी होगी, बिटिया की शादी में 10 लाख की कार दोगे, तो 10 लाख रुपए उस समय कर्जा लेके दोगे, बिटिया विदा करोगे, कहां पे 10 लाख का कर्जा लोगे, ये तो गलत बात है ना। तो भाई साहब आप एक काम करो, 50 रुपए पर डे का आज ही प्लानिंग चालू करो, बिटिया की शादी पे कार मेरी तरफ से आएगी। लोगों को बहुत अच्छा लगता है यार, ये नरेंद्र पाल जी तो बहुत अच्छे एजेंट है, बढ़िया प्लानिंग करके देते हैं। तो हम कोई ऐसा आइडिया दें, कोई इलस्ट्रेशन दें, कोई एक्सप्लेनेशन दें, कोई कहानी बताएं। लोगों को ना कहानियां बहुत जल्दी समझ आती हैं। आपने जाके बोला है डायमंड ले लो, बताइए, बोलिए 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 बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, सॉरी, कहना चाह रहे हैं तो अपना माइक बंद कर लिए। ठीक, हाँ माइक अपना बंद करेंगे तो आपका पहली बात तो शोर नहीं आएगा, आवाज नहीं आएगा, सब लोग आसानी से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, और आप बार बार स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे, है ना। तो स्क्रीन पर हम स्क्रीन वाली चीज पर रखते हैं जिस चीज के बारे में हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन, हमने किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया, हमने कोई कहानी बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफ स्टाइल का प्रेजेंटेशन, गेट यस एवरी टाइम, जो बॉक्स आप लेकर गए थे, जो लाइफ स्टाइल का प्रेजेंटेशन जो आप लेकर गए थे, डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिया। डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन आते हैं। ये सारी की सारी एडवांस्ड सेलिंग स्किल्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बेसिक सेलिंग स्किल्स नहीं है। बेसिक सेलिंग स्किल्स के बारे में जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो एडवांस सेलिंग स्किल आप अच्छे से कर पाएंगे। दैट हेल्प द प्रोस्पेक्ट बाय योर प्रोडक्ट, जो प्रोस्पेक्ट के पास आप जा रहे हैं, जो संभावित ग्राहक के पास आप जा रहे हैं, उसको आपका चीज पसंद आ जाता है, वो फटाफट खरीद लेते हैं। दैट मेक्स इम्पैक्ट, असर पड़ता है। एक एजेंट गए वहां पर, उन्होंने डीलर डाला, समझाया कस्टमर को, पसंद नहीं आया था छोड़ने जा, नहीं भाई साहब आप ना, मैं ना सोच के बताऊंगा, आपको समझ नहीं आता यार, मैं सोच के बताऊंगा, क्यों बोल रहा है? अच्छा मैं ना 1 तारीख को पैसे दूंगा, अच्छा सैलरी आने पर पैसे दूंगा। आपको लगता है यार सच बोल रहा है, अच्छा वो सच बोल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी सच्चाई ये है कि हमने समझाया जो है ना वो ढीला डाला समझाया, मतलब उसको कोई असर ही नहीं हुआ। अरे यार एक तो आप गली लोकर, वो एक तो आप रामलीला देखने जाते हो, एक तो आप बॉलीवुड की मूवी देखते हो सिनेमा हॉल के अंदर बैठ के, असर का दुनिया भर का फर्क है, जबरदस्त असर का फर्क है। बॉलीवुड की मूवी आप सिनेमा थिएटर में बैठ के देखते हो, जबरदस्त असर होता है। रामलीला देखते आपको ज्यादा छोड़ना यार क्या है, ढीला डाला कर रहे हैं। तो हमें ढीला डाला प्रेजेंटेशन अपना हम करेंगे तो हमें ढीला डाला रिजल्ट आएगा, ढीला डाला प्रीमियम आएगा, छोटा प्रीमियम आएगा। हमें इम्पैक्ट पे ध्यान देना है, असर होना चाहिए, हमने जो भी समझाया उसका असर होना चाहिए कस्टमर के दिमाग में, उसके दिल में, उसके परिवार में, उसको असरदार एजेंट वो अपने मन में बोलना चाहिए, यार ये भाई साहब ने क्या चौहान साहब ने क्या शानदार समझाया यार, मजा आ गया। आदमी अपने मन में बोलना चाहिए मजा आ गया, हमसे मिलके हर किसी आदमी को मजा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, बढ़िया लगना चाहिए, ऐसा वो आदमी बोलना चाहिए। तो उसके लिए हम आज क्या कर सकते हैं? मेक्स पीपल अंडरस्टैंड, लोगों को फटाफट समझ आ जाता है। वाइफ के सामने हमने समझा दिया, अच्छा कल बिटिया की शादी करोगे, बिटिया की शादी में 20 लाख लगेंगे, अचानक कहां से 20 लाख पैदा करोगे, 100 रुपए पर डे का प्लान करो, शादी पक्की। अच्छा हस्बैंड को समझ में आए ना आए, वाइफ को तुरंत हो जाता है यार शादी का इंतजाम तो करना चाहिए, शादी के लिए तो पैसा जोड़ना चाहिए। तो आपके समझाने के तरीके पर डिपेंड करता है कितना जल्दी आपका पॉलिसी बिकेगा, कितना बड़ा आपका पॉलिसी बिकेगा। मेक्स पीपल रियलाइज, लोगों को समझ आ जाता है, लोगों का हमारे समझाने में ऐसी ताकत, तो आदमी खड़े कांपना चाहिए, आदमी को खड़े खड़े पसीने छूटने चाहिए, लगे यार इतना शानदार हरिराम जी ने इतना बढ़िया समझाया यार, मेरे को तो तुरंत पैसा दे देना चाहिए। आदमी ऐसा लगना चाहिए, आदमी ऐसा ढीला डाला नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं सोच के बताऊंगा, अरे सोचना क्या है, सोच के बताऊ
है कि भाई तुमने जो मुझे समझाया था मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना क्या होता है? सोचवाना हमारा काम, सोचना कस्टमर का काम नहीं है, सोचवाना हमारा काम। तो पुशेस देम टू टेक एक्शन, आदमी को तुरंत लगता है ले लो ये पॉलिसी जो है बहुत शानदार है, ले लो। अब जैसे एक और कंसेप्ट है, कल रात को मैंने उसका पीडीएफ आपको भेजा है, मुझे बहुत शानदार कंसेप्ट लगा। हमें लोगों के पास जाके उनको बोलना है सर वो कैंसर के जो पीड़ित व्यक्ति हैं, कैंसर के जो मरीज के व्यक्ति हैं, उसके लिए आपसे डोनेशन चाहिए। बहुत ही शानदार कंसेप्ट, कैंसर प्लान बेचने का इतना शानदार कंसेप्ट। आपने तो किसी ने देखा है वो वाला जो पीडीएफ मैंने कल आपको भेजा था? ओके, नॉट ए प्रॉब्लम, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो खैर समय भी हमारे पास लिमिटेड है और हमें फटाफट इसको रैप अप करना है, कंप्लीट करना है। वही कंसेप्ट शुड बी लर्न, क्यों सीखना चाहिए कंसेप्ट के बारे में? क्योंकि इंश्योरेंस कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप ऐसा नहीं है आप शोरूम में गए, आपने हाथ लगा के देखा, आपने सुन के देखा, आपने खा के देखा, आपने बोला अच्छा भाई साहब ये पैक कर दो जरा या तो मेरे घर पर डिलीवरी करा दो। ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट जो होता है ना, प्रोडक्ट ही होता है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है, टेबल होता है, रेड होता है, दूध होता है, ये सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं। इंश्योरेंस ना तो देख सकते हैं, ना तो इसको महसूस कर सकते हैं, ना तो इसको छू सकते हैं, ना तो खा सकते हैं, ना तो पी सकते हैं, ना तो खुशबू आता है। तो एक कागज लिख के जाते हैं और कागज साइन करा के वापस जाते हैं। तो ये इससे कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। नुकसान क्या है कि आप छू नहीं सकते, बताएं कैसे? आप इसको खा के नहीं, चख के नहीं देख सकते, बताएं कैसे? आप इसको महसूस नहीं कर सकते, जैसे फर्नीचर में आप तो उसकी खुशबू आती है ना, वो वार्निश की खुशबू आती है, फर्नीचर की खुशबू आती है, सोफे की खुशबू आती है, कार की खुशबू आती है, तो आप इसको सूंघ नहीं सकते, है ना। तो आप पनीर लेने जाते हैं, आप इसको देखते हैं यार ये पनीर तो फ्रेश लग रहा है। अब ऐसा नहीं बोल सकता ना कि फ्रेश लग रहा है ये आपका इंश्योरेंस। आप इसको सुन नहीं सकते, आप म्यूजिक सिस्टम लेने जाते हो, आप सुनते हो अच्छा अच्छा क्या बात है यार इसकी आवाज़ तो बहुत शानदार है, आप इंश्योरेंस को सुन ही नहीं सकते। तो इसके नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा, आप एक आदमी से 500 रुपये भी ला सकते हो, 5,000 भी ला सकते हो, 50,000 भी ला सकते हो, 5 लाख भी ला सकते हो, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी ला सकते हो। आपका कीमत फिक्स नहीं है। सबसे बड़ा फायदा, कमाई का सबसे बड़ा रास्ता यही है। कोई फिक्स प्राइस नहीं है, पैसा कमाओ जितना मर्जी। आप गरीब कभी बीमा कर सकते हो, अमीर कभी कर सकते हो, लिमिटेशन नहीं है। 24 घंटे में जब आपका मूड किया, मॉर्निंग वॉक में पैसे कमाने हैं कमाओ, शादी में गए पैसे कमाओ, किसी का डेथ हो गया गए पैसे कमाओ, दफ्तर में गए पैसे कमाओ, बिजली का बिल भर रहे हो पैसे कमाओ, फोन का बिल भर रहे हो पैसे कमाओ, आप कहीं भी 24 घंटे जब मर्जी पैसे कमा सकते हो। आप अपने दफ्तर में बैठे हो पैसे कमाओ, आप मेट्रो में जा रहे हो पैसे कमाओ, आप बस में जा रहे हो पैसे कमाओ। दुनिया में इतना ज्यादा पैसे कमाने का जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका इंश्योरेंस एजेंसी में है, कहीं भी नहीं है। ना तो किसी जॉब में, ना तो किसी बिजनेस में, कोई आपकी लिमिट नहीं है। आपकी नौकरी है ना, नौकरी के अंदर आपको मालिक बोल सकता है देखो जी मैं आपको 25,000 महीना दूंगा, 30,000 महीना दूंगा, 35,000 महीना दूंगा। अरे इसी ने आपको कभी बोला आज तक? देखो भाई नरेंद्र पाल जी 50,000 से ऊपर आपको देंगे नहीं, आप जितनी मर्जी पॉलिसी करो 50,000 से ऊपर नहीं देंगे। ऐसा कभी बोला किसी ने? कभी नहीं बोला। आपको कोई लिमिट नहीं है, आप ही की कंपनी है, आप ही की जो LIC है उसी के अंदर लोगों का 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ का भी उनका कमीशन आ रहा है, लगातार आ रहा है। मनीष जी की शक्ल मेरे को अभी अभी नजर आई है, मनीष जी का स्वागत है। मनीष जी को बधाई, कल इन्होंने अपना खुद का पॉलिसी लिया, कैंसर कवर ब्रांच का टारगेट था, आपके जो ब्रांच मैनेजर हैं उन्होंने कॉल दी थी, आप सभी को कहा गया था कि भाई कैंसर कवर का टारगेट पूरा करना है। जो सीनियर डिविजन मैनेजर है उन्होंने बोला था ब्रांच का 25 पॉलिसी का टारगेट बचा हुआ है, जो बैलेंस टारगेट है सिर्फ 25 पॉलिसी का है। मनीष जी ने उसके अंदर सहयोग दिया, मनीष जी को जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां मनीष को इसके लिए। मनीष जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने, थैंक यू सर, कल वाली जो कॉल को सीरियसली लिया। वेलकम वेलकम वेलकम। तो सीरियसली ये वाला कॉल को लिया, सीरियसली उन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया और पार्टिसिपेट किया। सर मैं और थोड़ा मुझे ड्यूटी जाना है सर। ओके ओके, बाय बाय। हाँ जी, आप ड्यूटी पर जाइए, बिल्कुल आप ड्यूटी पर जाइए। आप यहाँ तक आपने साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो मनीष जी आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम लोग स्क्रीन शेयर बंद कर, मनीष जी आए हैं तो मनीष जी का
स्वागत तो होना ही चाहिए। मनीष जी ने कल दो कैंसर कवर पॉलिसी डिपॉजिट ब्रांच का टारगेट पूरा कर दिया, इसलिए मनीष को जोरदार बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कल इनका फोन आया, मैं वहां पे गाजीपुर के में फंसा हुआ था, तो ड्राइविंग करते करते एक हाथ से ड्राइविंग और दूसरे हाथ से इनका बीओसी बना के मैं इनके डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब हम लोगों ने मिलजुल के तैयार किया। ट्रैफिक पुलिस वालों से बच बच के कि कहीं चलान ना हो जाए भाई, पुलिस वाला कहीं रोक ना ले कि ये क्या कर रहे हो, एक हाथ से बीओसी बना रहे हो। तो यानी कि चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारी नेक्स्ट छोटी मोटी दिक्कतें हैं। तो मनीष को बहुत बहुत बधाई, बड़ी और जिस दूसरे बंदे की थी सर, जिंदगी में पहली बार मिला, 1000 मंथली का और एक कैंसर कवर, दोनों हो गए। क्या बात है, तो कैसे किया आपने ये कमाल, कैसे किया आपने ये 3000 मंथली का किया, कैंसर कवर किया, ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे आप कर पाएंगे ये सर? मैं सर फोटोकॉपी के लिए खड़ा था शॉप पे, और ये भाई साहब भी कुछ प्रिंट निकलवाने आए थे वहां पे, तो जब जाने लगे मैं इनके पीछे दो कदम गया और इनको बोला 100 रुपए बचाओ 20 लाख मिलेगा। अरे वाह क्या बात है, एक ही डायलॉग में धरा खाई। यस सर बोले। इन्होंने एड्रेस दिया और एड्रेस दिया, फिर शाम को पहुंचा मैं, फिर वहां पे 1000 रुपए पर डे से मैंने शुरुआत करी, 1000 रुपए पर डे से शुरुआत करी। तो बाद में ये वो हो गया भी कौन सीए से डिस्कूंगा, तो बोला ठीक है अभी ये 100 रुपए पर डे वाला कर लेते हैं, बाद में जब बड़ा अमाउंट करना है वो 2 दिन बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 100 रुपए तो छोटा है, छोटा तो आसानी से हो सकता है। यस सर, फिर वो अमाउंट आ गया, छोटे की शुरुआत तो कर ही लेंगे। यस सर, फिर बोला कितने का काटना है, कुछ नहीं 765 रुपए 6 महीने का। मुझे पता था कि छोटा अमाउंट होगा तो तुरंत दे देगा, नहीं तो फिर कहेगा सोचूंगा। और बढ़ाना तो फिर अपने हाथ में बाद में। सोचना तो पड़ता है, बड़े अमाउंट की सोचना पड़ता है। यस सर, तो वो भी दे दिया, फिर डिस्काउंट पे अटका रहा। मैं बोला डिस्काउंट तो खैर अपने मन में सोचा देना ही नहीं है, नहीं तो फिर कल कहेगा कि उसके बाद आई नहीं वो मेरे पास। फिर कल ये गाता फिरेगा भाई ऐसे होते वैसे होते, आते ही नहीं उसके बाद, सर्विस नहीं देते। तो खैर बिना डिस्काउंट के लेके आया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। हमारी इसी के साथ आपने क्वालिफाई कर लिया है। पांच लोगों को बोला था सर ये चीज, उनमें से एक का हो गया। बढ़िया, पांच में से एक हो गया, बढ़िया, बहुत अच्छा रेशियो आपका। हम तो बोलते हैं कि 10 में से 1 का होगा, आपका रेशियो अच्छा है। यस सर, यस सर जी, बढ़िया, अच्छा लगा आपका, अच्छा लगा। और आप इसी के साथ में सील का टिफिन आपका क्वालिफाई हो चुका है, आपका एक पॉलिसी पर सील का टिफिन था, 3 पॉलिसी पे चार्जर, वो जो हीटिंग पैड था, चार्जेबल रिचार्जेबल हीटिंग पैड था, तो 3 पॉलिसी पर वो है, 2 आपकी हो गई है, एक और आपका तो आपका वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। पॉलिसी पर फरवरी के अंदर निकला हुआ है, 2 आपकी हो गई है। क्या एक मैं भिजवा रहा हूँ सर, आज पहुंच जाएगी, अभी 12-1 बजे की तो आपका ये 3 पर हीटिंग पैड आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ट्रॉफी भी अपना रेडी रखा हुआ है, वो ट्रॉफी भी आप रेडी है डिक्की में रखा है, तो तीसरा मैं भिजवा रहा हूँ सर आज। ठीक है, बढ़िया। तो और कोई साथी बताना चाहेंगे कुछ और, किसी भी तरह की उनकी
कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी यदि बताना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप यहाँ पर आए, आपको क्या क्या अच्छा लगा आज के प्रोग्राम के अंदर, आप कोई भी बात यदि बताना चाहें तो आप कह सकते हैं। हमारा जो प्रेजेंटेशन है जो सोमवार का जो हम बोलिए वगैरह वो सब कवर रहे थे, क्योंकि हमारा समय हो गया है तो मुझे लगता है शायद उसको तो हम कवर करना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उसको हम कवर कर लेंगे। और सुबह सुबह में सभी लोग जल्दी में होते हैं तो थोड़ा थोड़ा समय हम निकालते हैं बातचीत करने के लिए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज आप सभी यहाँ पर आए सुबह सुबह यहाँ पर आकर आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, क्या क्या अच्छा लगा, कोई भी साथी बताना चाहेंगे? ग्रेट सर, ग्रेट सर, बढ़िया लगा, बढ़िया। और पहले तो इसमें वो जुड़ नहीं रहा था सर, प्रॉब्लम आ रही थी बार बार, फिर दूसरे फोन से किया, जुड़ गया, खैर एकदम हो गया शुरू, स्टार्ट हो गया। बढ़िया, इसीलिए दो फोन या तो एक से ज्यादा डिवाइस रखने जरूरी है, फोन रखें या लैपटॉप रखें या टैब रखें या आईपैड रखें, कुछ भी रखें, दो तीन चार रखने जरूरी है। इसी वजह से मैं दो जगह से लॉग इन करके इकट्ठे रखता हूँ, मैं लैपटॉप से और फोन से दोनों जगह से रखता हूँ, क्योंकि बीच में कनेक्शन मुझे पता है, एक आध बार कहीं टूट भी सकता है, इंटरनेट में भी दिक्कत आ सकता है, दुनिया भर के इशू आ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकलिटी के लिए अपन को पहले से ही उसका प्रिकॉशन रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यदि हम मैनेजिंग डायरेक्टर का मान लीजिए पॉलिसी पर लेकर आगे बढ़े, हमें पता है सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम ये हमारा जो रह गया है हम उसको थोड़ा सा समय जैसे भी हमारे पास अवेलेबल होगा उसके हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा वो राजेश गोर्दी वाले जो प्रेजेंटेशन था जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम कर लेंगे। तो फिलहाल और कोई साथी बोलना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में, आपको क्या क्या पसंद आया? हेलो, तो इसके साथ हम क्लोज करें आज का प्रोग्राम, क्लोज करें। बताइए ना सर, मनीष जी के पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। मनीष जी ने 1000 बीमा कर दिया, बोला बट 1000 का सो ज्यादा लगा, मनीष जी ने 100 रुपए का बीमा कर दिया, 20 लाख का, गुड आइडिया सर, बहुत अच्छा आइडिया लगा मनीष जी का। फटाफट क्वालिफाई करिए, आपके लिए ढेर सारे कॉम्पिटिशन अवेलेबल है, उन सबको क्वालिफाई करिए। कल सुबह संडे का दिन है तो कल संडे 10 बजे का हम लोग प्रोग्राम हमारा, क्योंकि संडे है तो अलग अलग साथियों का रिक्वेस्ट होता है संडे लेट रखो, तो हमने कल 10 बजे का टाइम है, तो कल 10 बजे के प्रोग्राम में आप जरूर आए। और आज का जो मार्केटिंग मैनेजर आ रहे हैं तो उनका वेलकम अच्छे तरीके से करें, आपका कुछ ना कुछ उसके अंदर कलेक्शन होना चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि आप दुनिया में हो, आप 126 में हो, आप नजर आने चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू सर, गुड डे, भगवान करे आपका क्वालिटी जरूर सेल हुए और आपका नाम रोशन हो, हर जगह आपका नाम नजर आए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।